तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक दो दिन के बाद कुल्लू दशहरा शुरू होने वाला है, तो इस बार दशहरा आपको मतलब थोड़ा अलग व्यू देखने को मिलेगा और दशहरे की तैयारियां जोरों पे चली हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है जो प्रदर्शनी ग्राउंड है उसका व्यू है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि इस बार जो कुल्लू प्रशासन है वो जो ये कनोपी टेंट या जो ये कनोपी डोम वगैरह हैं ये स्वयं ही लगा रहा है। व्यापारियों को सिर्फ आना है और अपने शॉप्स लगानी है। पहले क्या होता था कि जो ये लैंड होते थे वो उसको प्लॉट है आवंटित कर देते थे व्यापारियों को, उसके बाद व्यापारी खुद ही इसमें टेंट बनाते थे जो कि तिरपाल और चादर वगैरह के लगे होते थे। लेकिन इस बार आपको ये एक ही कलर के वाइट कलर के सारे डोम कनोपी टेंट दिखेंगे। ये है मेन मॉल रोड, जो मेन रोड है कुल्लू की, उसका व्यू है जो कि आप देख रहे हैं। तो ये सब का पूरा श्रेय जो कुल्लू के विधायक है ठाकुर सुंदर सिंह जी, उनको जाता है। उन्होंने ही इस तरह का ये अरेंजमेंट किया हुआ है, इस तरह का उन्होंने थोड़ा दशहरे में चेंजिंग लाया हुआ है देखने में, और जो काफ़ी खूबसूरत काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी डेकोरेटेड लग रहा है। ये देखिए आपके सामने है। तो ये है कुल्लू का प्रदर्शनी ग्राउंड जो काफ़ी डेकोरेटेड किया हुआ है। यहाँ पे पत्थरों की छोटे छोटे स्टेप बनाए हुए हैं, साथ में यहाँ पे लाइटिंग के लिए जो शाम को लाइट जलेगी फवारा से बनाए हुए हैं छोटे से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और एक स्टेज बना हुआ है छोटा सा जो कि लकड़ी का काठकुनी डिज़ाइन का बना हुआ है, काफ़ी दिखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि शायद लोकल जो प्रोग्राम है वो भी होगे इसी ग्राउंड में, और साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल फूड मार्केट वो भी यहाँ पर होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाकी तो अब दशहरा जब स्टार्ट होगा उसके बाद ही पता लगेगा। और जो आप ये देख रहे हैं, ये जो क्रिकेट ग्राउंड है उसका व्यू है, वहाँ पे चार जो डोम लगे हुए हैं, साथ में ये कनोपी टेंट लगे हुए छोटे, और इसके पिछली साइड को जो जिसको हम कबाड़ मार्केट्स के नाम से जानते हैं कुल्लू में, कुल्लू दशहरे में, जो कि काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे ये सब तैयार हो रहा है। ये है रघुनाथ जी का दशहरे का स्थाई शिविर, जहाँ पे पूरे दशहरे के 7 दिन रघुनाथ जी बैठते हैं। तो ये थी दशहरे की जो तैयारियाँ चली हुई है, उसका एक छोटा सा व्यू मैंने आपको दिखाया। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जहाँ तक भी वीडियो पहुँचेगी, आप सभी लोगों का कुल्लू दशहरे में स्वागत है। आप दशहरे में आइए, दशहरे का आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए। अगर आप YouTube चैनल में नए हैं और YouTube चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो दशहरे का पहले दिन का वीडियो होगा, रघुनाथ जी की रथ यात्रा का। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय सियाराम।